हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल इम्पोर्टेंट वीक इट वॉज फॉर रियल वीक वी डिफीटेड मैन सिटी एट द इतिहाद एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द पिकस गेम इन क्लब फुटबॉल इट्स टाइम फॉर द इन क्लासिको और उस पर ही हम जरा डिस्कस करेंगे कि दोनों टीम्स की क्या लाइनअप्स होनी चाहिए क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए और इस वक्त बार्सलोना में जो एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है गुंडोवन वन और आरो को ले उस पर भी जरा डिस्कस करेंगे और उस पर भी मैं जरा अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा बट फर्स्ट इफ यू आर न्यू इन द चैनल प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो के उससे वीडियो को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो कल जो एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई कि नाचो डिस मडरेड एट दफ़ दीजन आफ्टर ट्वेंटी थ्री ईयर और जो टोटल अपरेंसेस हैं उनके रियाज मडरेड के लिए वो है थ्री फिफ्टी फाइव और उस दौरान उन्होंने रियाज मड्रेड में तेईस ट्रॉफीज जीती और उनको दो ट्रॉफीज़ मतद चाहिए मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर रियल मेड्रेड का बनने के लिए सरपासिंग मार्सेलो और अगर हम चैम्पियन लीग और लालीगा जीत जाते हैं तो नाचो मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर बन जाएंगे रियल मेड्रेड के तो नाचो की अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो आई थिंक नाचो की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि थ्रू आउट द एयर इज़ बीन लॉयल सर्वेंट टू रियल मेड्रेड ही इज बीन अ वन क्लब मैन और उनको जब भी जिस भी पोजिशन पे हमने खिलाया उसने उस उस पोजिशन में मान लिए खेला है चाहे वो इम्पोर्टेंट गेम्स की आप बात करें चाहे आप गेम्स की बात करें चाहे आपने उसको राइट बैक खिलाया उसने उसको आपने लेफ्ट बैक खिलाया उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की ऑल दो के हम अभी देखते हैं कि अभी अगर एक दो गेम भी प्लेयर्स नहीं खेलते तो वो डिमांड करते हैं कि वो छोड़ के जाना चाहते हैं नाचो हैज़ बीन लॉयल सर्वेंट फॉर रियल रेल मडरेडी थ्रू आउट दीज ईयर्स एंड नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर द लेजेंड और मेरे ख्याल से वाइज डिसीजन फ्रॉम हिमसेल्फ उनको पता था कि उनका सीजन जो था वो काफ़ी अच्छा नहीं जा रहा था काफ़ी क्रिटिसिजम भी उन पर हुई uh, जिसके बाद uh, जब वो मैन सिटी के अगेंस्ट गए आई थिंक इट वॉज इज बेस्ट गेम दिस सीजन एंड ही वॉज मैगनिफिशन अगेंस्ट मैन सिटी आई थिंक उन्होंने समझा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू तो अनाउंस के ही डिसाइडेड टू लीव रटरेट और मैं एक वाइज डिसीजन समझूंगा इस डिसीजन को क्योंकि गफा महाराज जो हमारे एकेडमी के प्रोडक्ट हैं वो डप्यूटी एल्बे में जो इस वक्त खेल रहे हैं आई थिंक ही इज राइट देयर टू रिप्लेस नाचो और उसके अलावा वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन लेनी आई थिंक नथिंग जस्ट रिस्पेक्ट फॉर द लेजेंड जो उन्होंने रियाल मेड्रेट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन की एंड वी जस्ट विश इम गुड लक फॉर द फ्यूचर तो अगर मैच की बात करें और मैच में स्कॉट की बात करे तो स्कॉट लेड जो है और उसमें आपको एक चेंज देखने को मिल सकता है वो है और एलियन जोबैनी जो कि मैन सिटी के अगेंस्ट सस्पेंडेड थे इज बैक इन द स्कॉट लिस्ट Uh, उनके अलावा ऐसी कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिली स्काट लिस्ट में आई थिंक ऑलमोस्ट द सेम स्कॉट लिस्ट है uh, बाकी अगर आप स्टैंडिंग लाइनअप की बात करें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शायद डेनी कारोहाल yeah. को रेस्ट दिया जाए क्लासिको में और उनकी जगह दुखस वाजगज खेलें जनरली मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फेडे वेलवर्डे को भी रेस्ट देना चाहिए क्योंकि फेडे वेलवर्डे कंटिन्यूसली खेले जा रहे हैं और बहुत टाइम से वो खेले जा रहे हैं बहुत टाइम से उनको रेस्ट नहीं दिया गया एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें एक फ्रेश फेडे वेलवर्डे बने बाहर मुलिक के खिलाफ क्योंकि हमने अभी चैम्पियन लीग का सेमीफाइनल भी खेलना है विद इन टू वीक्स तो ये बहुत ज़रूरी है कि फेडे वनवर्डे को रेस्ट दिया जाए बट अगर रिपोर्ट्स की हम मारें तो रिपोर्ट्स में यही आ रहा है कि शायद और कोई हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टार्टिंग लाइनअप में अगर हम एक चेंज एक्सपेक्ट करें तो वो चेंज है लूकस वाजगस का लूकस वाजगस जो कि डैनी कारोहार को रिप्लेस करेंगे अदर देन डैट मुझे लगता है कि सेम लाइनअप के साथ रियल मडरड जाएगी अगेंस्ट बार्सिलोना आई थिंक अगर आप इस वक्त लालीगा टेबल देखें तो लालीगा टेबल में रियल मड्रेड 78 पॉइंट के साथ नंबर वन पोजीशन पे है एफसी बार्सिलोना 70 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई ख़ास इतना कोई क्लोज लीग नहीं होने वाली अगर हम अपने आई बिलीव नेक्स्ट टीन गेम्स जीत जाते हैं तो हम लालीगा ऑफिशियली जीत जाएंगे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद हम फेडे वलवर्डे को रेस दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेंच पे प्लेयर्स मौजूद हैं लुका मॉडल भी मौजूद है कमाविंगा इस देयर जो मैनी आपके पास है और आपके पास टोनी क्रूस भी है तो अगर आप फेडे वे को रेस दे, दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा इशू होगा अगर हम ड्रॉ भी कर जाते हैं एफ सी के अगेंस्ट तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई डिफिकल्टीज़ होंगी आगे चल के गेम्स में सो आई थिंक मेरा ओपिनियन तो यही है मैं चाहता हूँ कि फेडे वनवर्डे को रेस्ट मिले क्योंकि वो कंटिन्यूसली खेले जा रहे हैं और आगे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम्स भी हैं वर्स के सुनारी अगर यहाँ पर हार जाते हैं तो उसका मैं नहीं कह सकता बट आई बिलीव कि यहाँ पे फेडे वनवर्डे के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है अब जरा हम अगर बार्सलोना की बात करें तो बार्सलोना के जो यहाँ पे आ रहे गया रो और गुंडवान के जो इश्यूज चल रहे हैं जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है आई थिंक यहाँ पे गुंडवान ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो जैसे जिससे मुझे लगता है कि इश्यूज जो हैं वो हो प्लेयर्स के बीच गुंडवान ने यहाँ पे वही चीज़ बोली है जो कि हम सब बोल रहे हैं उन्होंने यही बोला है कि अगर आप हंड्रेड परसेंट ना हो तो आप इन मोमेंट्स पे टैकल ना करें जो कि मेरे ख्याल से उनकी बात से हर कोई ही मुतफिक है और हम सब यही बात कर रहे थे कि हरोगों को वहाँ पर टैकल नहीं करना चाहिए था और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि शायद आपको पता नहीं कि अगर आप फाउल ना करते तो बारकोला स्कोर ही करते बारकूला बाहर भी मार सकते थे आई थिंक उनकी बात से ऐसा कोई नहीं है कि कोई इतफ़ाक़ नहीं करता बाकी अगर आप देखें तो उनकी बात मेरे ख्याल से ठीक है अगर आप अरो वहाँ पर फ़ाउल नहीं करते स्प्लिट सेकेंड्स के डिसीजन्स होते हैं अब यहाँ पे हम दो दो तीन तीन घंटे बैठ के अगर हम इस पर एनालिसिस करें तो हमें यही लगता है कि अरोह को फ़ाउल नहीं करना चाहिए था बट स्प्लिट डिसीजनस होते हैं स्प्लिट सेकेंड्स के डिसीजन होते हैं वहाँ पर आपको करने होते हैं कि आपके क्या करना है आई थिंक गेम में उसको जाओ जो ठीक लगा उसने किया बट अदर देन डैट मुझे लगता है कि अरोह जितना बड़ा डिफेंडर है उसको मेरे ख्याल से फाउल नहीं करना चाहिए था आई थिंक गुंडवान की बात से मैं हंड्रेड परसेंट एग्री करूँगा कि शायद बारकोला वहाँ पे मिस भी कर सकते थे वहाँ पे टेस्ट चेकन सेव भी कर सकते थे या चले वस के सुनारी अगर बारकोला स्कोर ही कर लेते उस मोमेंट और टाइम पे तब भी मुझे लगता है कि बारसोलोला के पास एक गोल की लीड होती और जब एक गोल की लीड होती और अरो होते पिच पे तो चीज़ें जो थी वो बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी क्योंकि अगर आप देखें तो अरोओ इज़ ए लीडर तो अगर आप बाढ़ से डिफेंस की बात करें तो अरोह एक लीडर है और जब आप अपने लीडर को खो देते हैं इन ऑल इम्पॉर्टेंट गेम में तो आपके शोल्डर्स जो है वो डाउन हो जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर अरोओह पिच पे होते तो इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट गेम इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम तो आई थिंक यहाँ पे कंट्रोवर्सी होनी तो नहीं चाहिए और जहाँ तक आज शावी की स्टेटमेंट से भी लगा जहाँ पिक्चर्स भी आए तो वहाँ पर शावी ने भी यही कहा कि ऐसा कोई बड़ा इशू था नहीं अगर था भी तो इशू जो है वो चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो गई है बहर अगर आप पिछले पाँच गेम्स उठा के देखें क्लासिको के और अगर आप पिछले पाँच गेम से तीन गेम रियल जीती है और दो गेम बार्सोलोना जीती है जिसमें से एक फ्रेंडली था जो कि बार्सोलोना जीती मेरे ख्याल से इन क्लासिको जो है वो एक ऐसा गेम है जहाँ पे ना फॉर्म से गेम को कर सकते हैं प्रोडक्ट कर सकते हैं ना कुछ क्लासिको में इट वोटल डिफरेंट स्टोरी गेम में दोनों टीम्स जीतने के लिए आती हैं और दोनों टीम्स की कंध भी यही कोशिश होगी कि गेम को जीता जाए बार्सिलोना की ये कोशिश होगी कि गेम को जीता जाए और लादीगा को जितना वो डीप लेके जा सकते हैं लेके जाए और रियल मडेड की यही कोशिश होगी कि बार्सिलोना के, के अगेंस्ट जीते और उनको जो अगले दो तीन गेम्स जीतने हैं उनको वो जल्द से जल्द जीते ताकि वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे और देन बाहर उन्हें के अगेंस्ट फ्रेश लेग के साथ जाए बाकी अगर आप मेरी प्रोडिक्शन की बात करें तो इस गेम में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा बट Uh, मुझे लगता है कि आप रेल मटेरियड यहाँ पे फेवरेट है बारसा के अगेंस्ट और मैं यहाँ पे टू नीन या टू वन की विक्ट्री रेल मटेरियड को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द गेम और आप लोगों को क्या लगता है आरो और गुंडवान की कॉन्ट्रोवर्सी के बीच आप लोग किस किस आते हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि किसके स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तो मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में अंटिल नेक्स्ट टाइम पीस